12th क्लास केमिस्ट्री का 10th यूनिट या 18वां चैप्टर जिसका नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स। इसमें आज हमारा टॉपिक है बेंजीन से पिक्रिक अम्ल बनाना। पिक्रिक अम्ल बनाना, ठीक है। अब बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। हम उसको रिंग के रूप में या कैसे लिखेंगे? इस तरह से, मतलब यहाँ पे CH, 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 CH और CH। अगर इसको फॉर्मूला के रूप में लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? C6H6, कार्बन 6 और हाइड्रोजन 6। अब बेंजीन से हमें प्राप्त क्या करना है? पिक्रिक अम्ल। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? क्लोरोबेंजीन में, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हम किससे क्रिया करवा देंगे? Cl2 से, ठीक है। तो Cl2 से क्रिया करवाएंगे तो Cl आपका यहाँ चला जाएगा, प्लस आपका माइनस क्या निकल जाएगा? HCl। कैसे? जब ये क्लोरीन यहाँ जाएगा तो यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा, ये जब एक जगह खाली होगी तभी तो दूसरा आके जुड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ एक क्लोरीन यहाँ चली गई, ठीक है, कार्बन के साथ जुड़ गई, और एक क्लोरीन किसके साथ जुड़ गई? हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो आगे आपका क्या बन जाएगा जब हम ये रिंग बनाएंगे? तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका क्लोरीन, ठीक है, और माइनस HCl निकल गया। अब हमें क्या प्राप्त हो गया? क्लोरोबेंजीन। इसको अगर सूत्र के रूप में लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? C6H5 और Cl। ये क्या है आपका? क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे नाम लिख देते हैं, ये है बेंजीन और ये आपका क्या है? क्लोरोबेंजीन, क्योंकि यहाँ पे क्या जुड़ गया है? क्लोरीन, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब इससे हमें क्या प्राप्त करना है? पिक्रिक अम्ल। तो ध्यान देना, यहाँ पे हम किससे क्रिया करवाएंगे? किससे? HNO3। किसकी उपस्थिति में? H2SO4। अब HNO3, क्योंकि पिक्रिक अम्ल में नाइट्रोजन कितने होते हैं, नाइट्रो समूह कितने होते हैं? 3। तो हम यहाँ पे जो नाइट्रिक अम्ल है उसके कितने कंपाउंड ले लेंगे? 3, ठीक है। अब यहाँ से निकलेगा क्या आपका? निकलेगा -3H2O, मतलब जो पानी है, पानी के 3 कंपाउंड यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। तो अब आगे क्या होगा? अब देखो, यहाँ तो आपका ये क्लोरोबेंजीन हो गया। अब ये जो आपका नाइट्रेट समूह है, एक नाइट्रोजन कहाँ जुड़ जाएगा? इधर। अब इसकी जब नंबरिंग करेंगे तो ध्यान रखना, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ये जो आपका नाइट्रो समूह है, एक तो दूसरी जगह पे जुड़ेगा, फिर एक अंतर, फिर चौथी जगह पे जुड़ेगा, और फिर एक पर अंतर, फिर कहाँ जुड़ेगा? छठी जगह पे। समझ में आ गई बात? अगर हम लगातार जोड़ देते हैं तो इनका बैलेंस बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो अब देखना आगे वाली जो संरचना बनेगी, सेम ऐसे ही, ठीक है। यहाँ आपका क्लोरो वैसे ही रहेगा, यहाँ पे आपका क्या जुड़ जाएगा? NO2। यहाँ पे आपका क्या जुड़ जाएगा? NO2। और यहाँ भी आपका क्या जुड़ गया? NO, नाइट्रो समूह, ठीक है। ये आपको क्या मिल गया? ये किसका सूत्र है? पिक्रिक अम्ल का। क्या मिल गया आपको? पिक्रिक अम्ल, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे देखना, -3H2 कैसे निकला? 3 हाइड्रोजन तो इसके हो गए नाइट्रिक अम्ल के, ठीक है। जो अब देखो, 3 हाइड्रोजन है इसमें, 3 नाइट्रोजन है। अगर इसको सिंपल सा लिखना है तो यहाँ पे लिख लो, जिससे आपको ज्यादा क्लियरिटी रहेगी। यहाँ पे अपन लिख देते हैं, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितने हैं? 3। नाइट्रोजन कितनी है? 3। और ऑक्सीजन कितनी है? 3 त्रिकाए 9, ठीक है। तो ऑक्सीजन आपकी कितनी हो गई? 9। अब जो आपका निकला है, ठीक है, तो इसमें से हाइड्रोजन कितनी निकली है? 3 दूनी 6। अब यहाँ पे तो नाइट्रोजन, वो हाइड्रोजन कितनी है?
लेकिन यहाँ पे निकले कितनी है, कितने निकले हैं? छह। ठीक है, तो ये छह कैसे निकली? देखो, जब ये नाइट्रेट समूह यहाँ से जुड़ता है तो यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। एक यहाँ से रिमूव होगा हाइड्रोजन माइनस एच, यहाँ से एक रिमूव होगा माइनस एच, यहाँ से भी एक रिमूव हो जाएगा माइनस एच। तो कितने हाइड्रोजन यहाँ से निकले? एक, दो और ये तीन। ठीक है, तो तीन हाइड्रोजन निकल गए, तीन इसके 90 नंबर के हाइड्रोजन थे, तीन इसके हो गए, टोटल कितने निकल गए आपके? छह। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना हो गया, तीन दूनी छह, कितनी हाइड्रोजन हो गई? छह। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, तीन त्रिका है नौ, तो बाकी ऑक्सीजन कहाँ यूज हो गई? देखो, दो ऑक्सीजन यहाँ, दो यहाँ, दो यहाँ, टोटल कितनी यूज हो गई? छह। बची आपके पास कितनी? तीन। तो यहाँ पे आपका कितना निकला? 3H2O, मतलब छह हाइड्रोजन, छह ऑक्सीजन निकल गई। और आपका H2SO4 की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके क्या बना दिया? पिक्रिक अम्ल। क्लियर है ये चीजें? या तो देखो एग्जाम में ऐसे पूछ देगा कि क्लोरोबेंजीन से पिक्रिक अम्ल प्राप्त करने की विधि बताइए। अब जब क्लोरोबेंजीन पर से पूछेगा तो आपको सिर्फ यहाँ से करना है, ठीक है? और जब आपसे ये पूछेगा कि बेंजीन से क्लोरोफॉर्म, बेंजीन से आप क्या बना रहे हैं? पिक्रिक अम्ल। ठीक है, तब आपको पूरी स्टेप यहाँ से करनी है। ठीक है, तो ये चीज हो गई आपकी बेंजीन से पिक्रिक अम्ल का बनाना। आई थिंक ये चीजें क्लियर हो गई, तो बिल्कुल सिंपल स्टेप है। अगर आपको बेंजीन का फॉर्मूला पता है, बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है, इससे क्लोरोबेंजीन प्राप्त करो, क्लोरोबेंजीन यहाँ क्लोरीन क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन हटेगा, HCl निकल जाएगा और यहाँ पे क्लोरीन जुड़ जाएगा, ये आपका क्या प्राप्त हो गया? क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन से हमें क्या प्राप्त करना है? पिक्रिक अम्ल। तो इसमें किसकी क्रिया करवा दो? नाइट्रिक अम्ल की। किसकी उपस्थिति में? सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। तो आपका क्या